कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो की पुलिस हिरासत में हुई फरारी की घटना से यूपी पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया है। ग्राम बदौड़ा के प्रधान गुड्डी ने आज मुख्यमंत्री को कुछ वीडियो ट्वीट किए हैं। इन वीडियो के केंद्र में मेरठ का कुख्यात योगेश बदौड़ा नजर आ रहा है। पुलिस कस्टडी में वह बेहद आराम से चहलकदमी वे किसी होटल में अपने साथियों से मीटिंग करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ग्राम प्रधान गुड्डी देवी ने CM योगी से इस आशय की शिकायत करते हुए यूपी पुलिस पर योगेश बदौड़ा को संरक्षण देने का आरोप भी चस्पा किया है। आपको याद होगा कि 2019 में पेशी पर लाए जाने के दौरान बदन सिंह बद्दो मेरठ के मुकुट महल में पुलिस दल को अपनी इच्छा से ले आया था। यहां जब पुलिस शराब के नशे में धुत हो गई थी तो बदन सिंह बद्दो भाग निकला था। उसका 5 साल बाद भी कोई सुराग नहीं पुलिस लगा पाई है। जहां तक बात ग्राम बदौड़ा की राजनीतिक पृष्ठभूमि की है तो सुशील फौजी की मां गुड्डी ने मेरठ जिले के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले गांव बदौड़ा में कुख्यात योगेश बदौड़ा की पत्नी सुशीला को चुनाव में हराकर ग्राम प्रधान की सीट कब्जाई है। गुड्डी प्रधान को आशंका है कि योगेश बदौड़ा जेल से ही उस पर हमला करा सकता है। जिस वीडियो का यहां जिक्र किया जा रहा है वह 8 अगस्त का बताया जा रहा है। इसके मुताबिक सिद्धार्थनगर जेल से योगेश बदौड़ा को पुलिस कस्टडी में गाजियाबाद पेशी पर लाया गया था। उसे 2013 में भाई विश्वास के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह सिद्धार्थनगर जेल में बंद है। देखिए वह वीडियो। वहीं पुलिस का यह भी दावा है कि इस वीडियो की तहकीकात की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।